हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे बर्थडे की शॉपिंग होने वाली है। कुछ सामान ऑलरेडी आ चुका है जो हमने थैंक्सगिविंग पे परचेज किया था। कुछ गिफ्ट्स आ चुके हैं जो बहुत ही स्पेशल है, एंड थैंक यू सो मच जिसने भेजे हैं। वो सब चीजें आपको हम एट द एंड ऑफ द व्लॉग बताएंगे और दिखाएंगे भी कि हम कैसे उसको सेटअप कर रहे हैं। बट फिलहाल हम जा रहे शॉपिंग करने। मैं चाहती हूँ अचल वो ही खरीदे जो इसको पसंद आए, इंस्टेड की मैं इसको कुछ देती हूँ तो वो सरप्राइज शॉक हो जाता है। इट्स अ गुड आइडिया, उसको ही ले जाओ जिसको जो दिलाना है। ज्यादा शौक नहीं है, ज्यादा बड़े शौक नहीं है मेरे, बहुत ही बेसिक। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, तो बाहर बैठे हुए हैं। आज स्नो भी हुई है काफी, ठंड पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, स्नो पड़ चुकी है, पहाड़ बिल्कुल ढक चुके हैं बादलों से। और हम सोच रहे थे हाइकिंग में जाने का, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं कल तक खुलता है क्या वेदर। मैंने सोचा था कुछ सरप्राइजेस के लिए बर्थडे के लिए, बस हो नहीं पा रहा। स्नो हो चुकी है, स्पेशल बर्थडे है, स्पेशल बर्थडे पूरी नवंबर से क्या हो गया, स्नो नहीं हुई तो क्या हो गया। स्नो में कर दो, उसमें क्या स्नो रोक पाएगा कुछ। केक के ऊपर स्नो गिर रही है, आइसिंग ऑन द केक। स्पोर्टिंग गुड, जूम करके दिखाती हूँ, बट यहाँ पे अभी रोड क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। वहाँ से रोड क्रॉस करके आपको मिलता है स्टोर पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ पे चल रही है ह्यूज सेल। आप देख सकते हो वहाँ पे लग रहा है बैनर, और अचल ने बोला कि आज मैं पूरा धावा बोलने वाला हूँ शॉपिंग पे। काश मैं अपना वॉलेट भूल जाती, काश। आज बर्थडे है, आज तो दे दो। हमारा रोज ही बर्थडे होता है, हर मंथ बर्थडे होता है। चलो फिर भी दे देती हूँ मैं, आओ। ये वाला देखो कैसा लग रहा है, ये वाला अच्छी लग रही है, डिफरेंट कलर, बट ऐसा है तुम्हारे पास, साइज ज्यादा बड़ा हो गया, यही आएगा तुम्हें रियलिटी। बट ये कलर है ऑलरेडी भी तुम्हारे पास, ये कब है मेरे पास है, नहीं प्लेन बिल्कुल ऐसा। ओ, वो वाली। कुछ ऐसा ले लो कि रेड जैसा, जैसे पीछे लग रहा है, कुछ ऐसा कभी नहीं पहना तुमने फर में। ये तो थोड़ा फ्लीस टाइप है, मेरे को थोड़ी जैकेट टाइप फील चाहिए। अच्छा, फील चाहिए ज्यादा, मुझे वो भी पसंद आ रहा है ये कलर ग्रीन, बट तुम्हारे पास है ऑलरेडी आई थिंक, ये भी ग्रीन काफी, तो यही कलर आते हैं मेन में। ब्लैक ऑलरेडी पहन रखी है, देखो एक ये कलर है ब्लू, ये नहीं है तुम्हारे पास, नो में अच्छी लगेगी है, बट इसमें कैप नहीं है। कोई नहीं, दिखाना मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अब ये दिखाएंगे अपनी बॉडी, ये अभी सिक्स पैक्स दिखेंगे नहीं। इसके नीचे अगर तुम कुछ टर्टल नेक पे पहनोगे तो शायद अच्छा लगे। टर्टल नेक निकाले 1960 से वापस आ जाओ, टर्टल नेक अच्छी लग रही है, बट इसके नीचे ब्लैक जीन्स अच्छी लगेगी। हमने पास नहीं करी, दूसरी ट्राई करता, कितना टाइम लगाएगा ये लड़का। मैं सोच जैकेट लेते हुए अब तुम यहाँ पे आ गए स्पोर्ट्स में। अरे इतनी सारी चीजें दिखती हैं स्पोर्ट्स की, तो मन करता है ना कुछ खेलने का। ये देखो, बट क्रिकेट नहीं है तुम्हारा, क्रिकेट नहीं बेचता है कोई। तो शूज देख लेते हैं तब तक, शूज ओके, सो नो जैकेट, पहले शूज देख ले तो उसके हिसाब से जैकेट देख ले। ओके चलिए, हम तो पीछे पीछे आपके और चेकआउट पे मिलेंगे हम। मैं भी तुम्हें एक साइकिल दिखाऊं, जल्दी आओ इधर, और उसके टायर्स देखना सामने, देखना सामने तो पूरी बाइक है ना। टायर देखो इसके, इसमें कभी पंचर नहीं होगा ऐसा लगता है, और सोचो हवा निकलेगी तो हवा बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देखिए, ये है $11,000 की, कितना हो गया 11,000, 80,000 समथिंग ना, भी 70,000 की थोड़ी ना, 7 लाख की हुई ना। ओ माय गॉड, ऐसा क्या है साइकिल में, पीछे बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, एक ही जना आएगा एक सीट में, तुम यहाँ बैठ जाना आगे। अच्छी नहीं लगी, वेस्ट। मैंने ले ली एक जैकेट, बहुत ही अच्छी जैकेट है, मन पसंद मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साइज अभी अवेलेबल नहीं है। वो बोले शाम तक अगर अवेलेबल होता है तो हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। चल वेट फॉर इट, आई एम रियली एक्साइटेड, वी आर वेटिंग फॉर इट, नाउ वी आर गोइंग समवेयर एल्स, एंड चेक अस आउट। सो गाइस हम लोग आ गए अब घर पे, पता चला कि आज काफी भीड़ लग रही थी ग्रोसरी में, पता नहीं क्या इतना सामान ले रहे लोग। तो जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वो अब बस मोमेंट आने वाला है, हम अनबॉक्स करने वाले उस फैंटास्टिक चीज का। हमने काफी टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि वो सारी चीजें इकट्ठी आ जाए तभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करें, अदरवाइज ऐसा नहीं कि एक चीज खोल दी फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी खोली नहीं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या लिया है। तो पहला आइटम है ये, काफी भारी है, हैवी भी लिखा हुआ है, तो पहली अनबॉक्सिंग होगी इसकी।
डन। अब है नेक्स्ट तुम्हारा। मेरे बहुत आसान है, 2 सेकंड लगेंगे शायद उसमें। अरे ये यार तुम्हें कर दो, ये तो बहुत डेंजरस नाइफ है। सॉरी नीचे रख देती हूँ, हाथ में नहीं देते। ये देखिए मैडम, हमारी दुकान में कश्मीर से आया ये वाला पीस। हाँ। ये देखिए मैडम, वेरी नाइस। ये देखिए इसकी लेंथ देखिए आप। भैया खुल ही नहीं रहा है आपसे। मैडम बहुत बड़ा हो गया ना। ये देखिए मैडम, ये पूरी चांदनी चौक में वन पीस है, कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले मिल ली होती तो मुझे रियलिटी पता होती। सो गाइस, जो आज मेन चीज जो आपको दिखानी थी वो चीज अभी आपके सामने आने वाली है। 3, 2, 1। ये सबसे ज्यादा जिसने इंतजार कराया है हमें, पिछले 2-3 महीने से इसका इंतजार था, क्रिस्टल यूएचडी मार्केट से पूरा सोल्ड आउट, बट फाइनली थैंक गॉड कि हमें ये थैंक्सगिविंग में मिला। अब आजकल का शुरू हो जाता है मी टाइम विद प्लेस्टेशन आल्सो। आज तो प्रैक्टिस मैच भी देखूंगा इस पे। हाय राम, मतलब आज मैं नहीं हूँ कुछ भी। नहीं तुम भी हो, लेकिन तुम सो जाती हो ना जल्दी। मॉर्निंग पर्सन, थोड़ी सी हेल्प करा दो इसको रखवाने में। आई नीड अ टिप मैन। ओके, टिप रात को देंगे आपको। किसी बातें करते हो। अरे मेरा कटर कहाँ है। हो गई आपकी सारी प्रिपरेशन? तुम भी खेलते हो ऐसे, इसलिए दूसरा रिमोट आया है। जो मैं हमेशा हारती हूँ, क्योंकि अचल मेरे को आधे रूल्स बताता हमेशा। ये तो ट्रिक है, ये नहीं बता दी कभी। सो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट में होने वाला है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट और मेरे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। 2 गिफ्ट्स की ऑलरेडी हो चुकी है अनबॉक्सिंग, बिकॉज उनकी जरूरत पड़ी, हो चुकी है, बोल दो। यूज भी हो रही है, लेकिन वो एज ए गिफ्ट ही मिले। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, इट्स गोना बी वेरी स्पेशल। आउट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बर्थडे बनाए 2020 का। आई होप आगे लाइफ टाइम के भी अच्छे बनते रहे इसके बर्थडे। मेरे लिए तो काफी अच्छा रहा 2020। आई होप आप सबके लिए अच्छा रहा हो। इस साल काफी चीजें हुई है, काफी चेंजेस हुए हैं लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको ऐसी किसी अच्छे से ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी बर्थडे ब्लॉग नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। सॉरी लगी गया। बहुत मार दी।